हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कार्डियक साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। कार्डियक साइकिल में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे और एक तरीके से आपको ये शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से ये कंटेंट जो है वो परोसा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, कार्डियक साइकिल होती क्या है? सबसे पहले तो आपको यही पूछा जाएगा कि वॉट इज़ कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या होता है? द कार्डियक इवेंट्स दैट अकर फ्रॉम बिगनिंग ऑफ वन बीट टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ये रेफरेंस क्या है? गाइटन, गाइटन से ली गई ये डेफिनेशन। अगर एक और देख रहे हो आप, अगर आप ये भी देख सकते हो, साइक्लिकल रिपीटेशन ऑफ वेरियस चेंजेस इन द हार्ट फ्रॉम बीट टू बीट, है ना। दिल एक बार धड़का और दिल अगली बार धड़का, सेकेंड टाइम धड़का, ठीक है। तो एक बार धड़का और दूसरी बार धड़का और उसके बीच में जो भी इवेंट्स होते हैं, गतिविधियां होती हैं, उनको हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। कार्डियक इवेंट्स दैट अकर फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ वन बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन आर कॉल्ड कार्डियक साइकिल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कार्डियक साइकिल का टाइम क्या होता है? कार्डियक साइकिल टाइम, द टाइम टेकन बाय द हार्ट फॉर अ कंप्लीट कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल टाइम। ऑब्वियसली बात है ना। अब पता है तुम्हें, कार्डियक साइकिल का जो टाइम होता है उसमें और हार्ट रेट में एक रिलेशन होता है। द रिलेशन बिटवीन कार्डियक साइकिल रेट टाइम एंड हार्ट रेट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। देख रहे हो, सुनो, कार्डियक साइकिल टाइम क्या होता है? कार्डियक साइकिल टाइम इक्वल टू 60 सेकेंड अपॉन हार्ट रेट, ठीक है। सपोज जैसे यहाँ पे दो केस दिए हुए हैं। अगर आपकी हार्ट रेट कितनी है? 80 बीट्स पर मिनट है, ठीक है। तो 60 अपॉन में अगर आप 80 रखोगे, हार्ट रेट कितनी होगी? 80। व्हाट इज हार्ट रेट? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड हार्ट रेट। तो अगर आपका हार्ट रेट कितना है, 80 दे रखा है और ऊपर 60 सेकेंड है ही, तो अब ये कट कुट के क्या आपका आंसर आ जाएगा? 60/80 कितना होगा? 0.75 सेकेंड, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? कार्डियक साइकिल टाइम हो जाएगा कि इतना टाइम लग रहा है कार्डियक इवेंट्स में, कार्डियक साइकिल टाइम ये हो गया। अगर आपकी बीट 75 है पर मिनट, तो आपका कितना टाइम आएगा? 0.8 सेकेंड आएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, अगर ये आप ध्यान में रखेंगे, कार्डियक साइकिल टाइम इक्वल टू 60 सेकेंड अपॉन हार्ट रेट। कार्डियक साइकिल टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। उसके बाद में व्हाट इज सिस्टोल? देखो वर्ड्स आते हैं सिस्टोल डायस्टोल, कई बार नहीं पता होता लोगों को। सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल एंड डायस्टोल इज द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। देन इवेंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल, देखो ये जो टेबल बन रखी है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये टेबल आपको या एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये टेबल आएगी फिर उसके बाद में इसमें जो 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 चीज़ें दे रखी हैं इनको हम समझेंगे, फिर ये ग्राफ भी आएगा इनका, तो आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कार्डियक साइकिल मेजर दो इवेंट्स में डिवाइडेड होती है ना। कई लोग बोल देते हैं कि नहीं भैया, चार इवेंट्स में होती है। कौन से चार इवेंट्स? वेंट्रिकल का सिस्टोल, फिर वेंट्रिकल का डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डाय, ये नहीं करना हमें। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्डियक साइकिल के कितने इवेंट्स होते हैं, मेन देयर आर टू इवेंट्स, सिस्टोल एंड डायस्टोल, दैट्स इट। अब सिस्टोल वेंट्रिकल में सिस्टोल और एड्रिया में सिस्टोल, और डायस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोल और एट्रियल डायस्टोल, ठीक है। अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल में भी तीन स्टेप्स हैं। ए, सबसे पहले होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, फिर होता है मैक्सिमम इजेक्शन फेज, और फिर होता है रिड्यूस्ड इजेक्शन। इन तीनों फेजेस में क्या क्या होता है, कैसे इवेंट्स होते हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग इसी वीडियो के अंदर। वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इसके ये पाँच फेजेज हो गए। सबसे पहले प्रोटो डायस्टोलिक फेज, फिर आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, फिर फर्स्ट रैपिड फीलिंग फेज, फिर डायस्टेसिस या फिर स्लो फीलिंग फेज, फिर लॉस्ट रैपिड फीलिंग फेज। समझ रहे हो? सबसे पहले प्रोटोडायस्टोलिक, फिर आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, फिर उसके बाद में रैपिड, फर्स्ट रैपिड फीलिंग फेज, फिर स्लो, और फिर से लास्ट में रैपिड, ठीक है। सो इसको याद करने के लिए आपको वैसे याद रहना चाहिए, बट छोटी ट्रिक देख सकते हो कि प्रो तरीके से डाई करना है तो पहले आई मी सब रिलैक्स हो जाओ, फर्स्ट रैपिड, फिर स्लो, लास्ट में फिर रैपिड तरीके से आप क्या करो, डाई को अप्लाई करो, फिलिंग कर डाई की, ठीक है। तो प्रो तरीके से डाई करनी है तो प्रो से आएगा प्रोटोडायस्टोलिक फेज। डाई करनी है, प्रो तरीके से डाई करनी है तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा क्या, डायस्टेसिस, ठीक है। और एक सेकेंड, प्रो तरीके से डाई करनी है तो
ओके सॉरी, प्रो तरीके से डाई करनी है, तो मतलब प्रो से प्रोटो डायस्टोलिक, प्रो डायस्टोलिक, ठीक है। तो आई मी, आई से आएगा आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, सब रिलैक्स हो जाओ, तो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, फिर फर्स्ट रैपिड, फिर स्लो, फिर स्लो फिलिंग फेज, फिर उसके बाद में लास्ट में रैपिड फिलिंग फेज। तो आप देख रहे हो ये मैंने ट्रिक बना के लिखी है, बट मैं इनको ऐसे डायरेक्टली ही याद रखता हूँ, क्योंकि फिर ट्रिक्स याद रखनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है वो, ठीक है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे याद रखो, बट फॉर कन्वीनियंस मैंने ट्रिक भी दे दी, अगर किसी को याद हो जाए तो अच्छी बात है। ओके, देन फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, हमारे पास दो फेज हो गए, मैंने कहा सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल में एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, डायस्टोल हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले एक एक करके इनको दबोचते हैं। सबसे पहले आता है एट्रियल सिस्टोल, मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है ये सही नहीं है। एक्चुअली में पहले क्या होता है, पहले होता है एट्रियल डायस्टोल, ठीक है। पहले एट्रिया रिलैक्स रहती है, फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है, बट इसमें जैसे ए भी दिया हो ना इवेंट्स के हिसाब से, तो वो थोड़ा सा अपने हिसाब से ध्यान रखना, मैं समझा दूंगा मतलब इस वीडियो में, देखना। सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल ड्यूरेशन याद रखो 0.1 सेकंड का ही होता है। जैसे अगर अपनी जो टोटल 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल है, तो उसमें एट्रियल सिस्टोल कितना है, सिर्फ 0.1 सेकंड है, और एट्रियल डायस्टोल कितना है, 0.7 सेकंड है, ठीक है। तो देखो एट्रियल सिस्टोल इट इनिशिएट्स कार्डियक साइकिल एज द पेस मेकर इन द एट्रियम, इज इन द एट्रियम। अबाउट 30% ऑफ द वेंट्रिकुलर फिलिंग अकर्स एक्टिवली ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। देखो हो क्या रही है बात, मैंने कहा कि एक्चुअली में सबसे पहले क्या होता है, जब अब इनिशियली अपन लेके चलें, तो अपनी जो एट्रिया होती है ना, एट्रिया वो होती है सबसे पहले क्या, रिलैक्स स्टेट में ना, डायस्टोल चल रहा होता है पहले, ठीक है। अब डायस्टोल के दौरान क्या हो रहा होता है कि वॉल्व्स ओपन होते हैं अपने, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स ओपन होते हैं, और उन वॉल्व्स के थ्रू एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड एकदम पैसिवली जाता है, ठीक है। कोई एनर्जी नहीं लगती, पैसिवली जाता रहता है, ठीक है। एक नल से पानी गिर रहा होता है, उस तरीके से जाता रहता है, और अबाउट 70% ऑफ द ब्लड जो होता है ना, वो इसी तरीके से पैसिवली चला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी, डायस्टोल से सिस्टोल में जाएगी। अब तो एट्रियल जब अपना सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल, तो जो बाकी बचा हुआ 30% ब्लड है वो फिर वेंट्रिकल में झटके से ज़बरदस्ती पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो 70% ऑफ द वेंट्रिकुलर फिलिंग अपनी कैसे होती है, पैसिवली होती है, और ड्यूरिंग एट्रियल डायस्टोल होती है, और 30% बाकी की जो वेंट्रिकुलर फिलिंग है वो एक्टिवली होती है ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो एट्रियल सिस्टोल है कार्डियक साइकिल को एक्चुअली में स्टार्ट यही करता है, इट इनिशिएट द कार्डियक साइकिल। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो पेसमेकर होता है ना अपना हार्ट का, पेसमेकर ऐसे नोड जिसको हम कहते हैं, पेसमेकर ऐसे नोड जो इम्पल्स जनरेट करता है हार्ट बीट करने के लिए, तो वो जो पेसमेकर है वो राइट एट्रियम में ही तो होता है, ठीक है। तो इसलिए इट इनिशिएट द कार्डियक साइकिल इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। और अबाउट 30% ऑफ द फिलिंग कैसी होती है, एक्टिवली होती है, और ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल होती है। अब एट्रियल सिस्टोल के भी फर्दर दो फेजेज हैं, एक तो डायनेमिक फेज, एक तो ये वाला डायनेमिक फेज, और एक हो गया ए डायनेमिक फेज। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो अपना ए डायनेमिक फेज है और डायनेमिक फेज है, इसमें क्या क्या आता है, देखो ड्यूरेशन चाहिए मत ध्यान रखना, कोई ज़रूरत नहीं है। ड्यूरेशन एट्रियल सिस्टोल की और एट्रियल डायस्टोल की याद रहनी चाहिए। एट्रियल सिस्टोल की 0.1 सेकंड है, टोटल 0.8 होती है उसमें से। सिस्टोल कितनी देर चलता है, देखो बहुत कम टाइम, सिस्टोल सिर्फ 0.1 सेकंड ही चल रहा है 0.8 में से, ठीक है। देखो मैंने क्लासिफिकेशन लिया 0.8 सेकंड टोटल कार्डियक साइकिल का टाइम होता है, ठीक है। उसमें से जो एट्रियल सिस्टोल है वो कितनी देर चलता है, सिर्फ 0.1 सेकंड, और बाकी 0.7 सेकंड क्या रहता है, एट्रिया रिलैक्स रहती है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स स्टेट चलती है। तो ये टाइम ड्यूरेशन याद रखना। फिर ये आ जाती है डायनेमिक फेज, ये 0.05 सेकंड की है, ये याद नहीं रखना, बस देख लो एक बार, ठीक है। अब डायनेमिक फेज और ए डायनेमिक फेज में क्या फ़र्क है, डायनेमिक फेज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ एट्रियल सिस्टोल देयर इज मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल एंड इंट्राएट्रियल प्रेशर राइजेस, दिस इज नोन एज डायनेमिक फेज। देखो एट्रियल सिस्टोल का मतलब क्या हुआ कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो
एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी दो फेजेस में। पहला फेज है डायनेमिक फेज। डायनेमिक फेज वो फेज है जिसमें एट्रिया मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। जैसे अब एक बार हम पढ़ना चालू करते हैं तो हम जोश में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो मैक्सिमम पढ़ते हैं ना अपना, तो यही डायनेमिक फेज में यही होता है कि एट्रिया अपना मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन करती है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल होता है, और जो एट्रिया के अंदर प्रेशर है इंट्रा एट्रियल प्रेशर वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिस इज डायनेमिक फेज। फिर उसके बाद में सेकेंड हाफ होता है ना एट्रियल सिस्टोल का, दैट इज कॉल्ड ए डायनेमिक फेज, और ड्यूरिंग दिस ए डायनेमिक फेज कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा कम होता है और इंट्रा एट्रियल प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। तो दो फेज हो गए एट्रियल सिस्टोल के, एट्रियल एक तो डायनेमिक फेज और दूसरा ए डायनेमिक फेज। अब बढ़ते हैं एट्रियल डायस्टोल यानी एट्रिया का रिलैक्सेशन, ठीक है। एट्रिया के रिलैक्सेशन के दौरान क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट हाफ ऑफ द एट्रियल डायस्टोल के अंदर तो एट्रिया ब्लड कलेक्ट करती है वेना केवा से। देखो मतलब एक छोटा सा सेटअप है, ये हर्ट है। अब इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग डायस्टोल जब एट्रिया रिलैक्स रहती है ना 0.7 सेकंड तक, तो वो करती क्या है, पहली चीज फर्स्ट हाफ ऑफ द एट्रियल डायस्टोल में तो वो ब्लड कलेक्ट करती है, एट्रिया ब्लड कलेक्ट करती है पल्मोनरी वेन से, वेना केवा से, यहाँ पे ब्लड कलेक्ट होता रहता है, ठीक है। और इस दौरान जब ये ब्लड कलेक्ट हो रहा है ये एवी वॉल्स कैसे हैं, बंद हैं, तो एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जा रहा। लेकिन एट्रियल डायस्टोल के सेकंड हाफ में ये ओपन हो जाते हैं, ये एवी वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं, तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जाने लगता है। और इसी दौरान अबाउट, जैसे मैंने कहा था, अबाउट 70% ऑफ द वेंट्रिकुलर फिलिंग कैसे होती है, पैसिवली होती है ड्यूरिंग एट्रियल डायस्टोल इस सेकेंड वाली फेज में। आगे बढ़ते हैं, होप आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे एक मॉडल दिया है इन्होंने, ठीक है, कि किस तरीके से चीज़ें हो रही है, लेकिन ये आप देखना, ये समझ आना थोड़ा मुश्किल है, बट ये आप खुद ही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थोड़ी देर में बना लोगे जब आप पूरा पढ़ लोगे ना इसको अच्छे से, तो आप खुद ही बना लोगे, ठीक है। देखो, देन हमारे पास होता है वेंट्रिक्युलर सिस्टोल, ठीक है, वेंट्रिक्युलर सिस्टोल, ठीक है भाई। वैसे होता पहले वेंट्रिक्युलर डायस्टोल ही है, पहले रिलैक्सेशन फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स का, और कॉन्ट्रैक्शन होने के साथ ही फिर ब्लड इजेक्ट हो जाता है बाहर, मतलब आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो चलो फिर भी इसमें दिया गया है वेंट्रिक्युलर सिस्टोल, देखो पूरे 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल के अंदर वेंट्रिक्युलर सिस्टोल कितना है, देखो 0.3 सेकंड, और डायस्टोल कितना है बोलो 0.5 सेकंड। तो ये सिस्टोल और डायस्टोल हो गया 0.8 टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल में से 0.3 सेकंड जो है हमारा सिस्टोल है और 0.5 सेकंड क्या है वेंट्रिक्युलर डायस्टोल है, ठीक है। अच्छा, वेंट्रिक्युलर सिस्टोल इट बिगिंस आफ्टर द एट्रियल सिस्टोल और इसकी तीन फेजेस होती हैं। सबसे पहले होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, ये तो हमने अभी देखो वो चार्ट बनाया था उसमें लिखी हुई थी ना, ये क्या क्या थी, एक तो हो गई आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, फिर होती है अपने पास मैक्सिमम इजेक्शन फेज, फिर होती है अपने पास स्लो इजेक्शन फेज, स्लो, ठीक है। तो तीन फेजेस हो गई, कौन सी, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, मैक्सिमम इजेक्शन फेज, और फिर होती है स्लो इजेक्शन फेज। अच्छा, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में क्या होता है, इट इज द इंटरवल बिटवीन द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व एंड ओपनिंग ऑफ सेमीलूनर वॉल्व, ठीक है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज मतलब आइसोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे आपने आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा, आइसोमेट्रिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा लेकिन मसल की लेंथ उसमें शॉर्टन नहीं होती है, ठीक है, समझ रहे हो, मसल की लेंथ शॉर्ट नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा बट, ठीक है, दिस इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिक्युलर सिस्टोल में या वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ही आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज क्या है, ये वो टाइम इंटरवेल है किसके बीच में, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व एंड ओपनिंग ऑफ सेमी लूनर वॉल्व के बीच में, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, द टाइम पीरियड बिटवीन द, यार एवी वॉल्व तो होंगे अपने क्या, क्लोज होंगे, और एवी वॉल्व तो क्या होंगे अपने, क्लोज होंगे, और सेमी लूनर वॉल्व जो होंगे, सेमी लूनर वॉल्व वो ओपन होंगे, तो इनके बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, ठीक है। अब एट द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल एवी वॉल्व्स क्लोज एंड प्रोड्यूस फर्स्ट हार्ट साउंड,
देखो बहुत ज़रूरी चीज़ आ गई है कि फर्स्ट हर्ड साउंड कब प्रोड्यूस होती है और कैसे प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट हर्ड साउंड प्रोड्यूस होती है एवी वॉल्व के क्लोजर से। कैसे प्रोड्यूस होती है फर्स्ट हर्ड साउंड, बोलो, एवी वॉल्व के क्लोजर से, ठीक है। और कब? एट द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिक्युलर सिस्टॉल, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, उसके शुरुआत में क्या होता है कि झटके से एवी वॉल्व्स बंद हो जाते हैं, ताकि उसके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ब्लड वेंट्रिकल से एट्रिया में वापस ना चला जाए, ठीक है। तो एवी वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं और इसकी वजह से फर्स्ट हर्ड साउंड हमें सुनाई देती है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन यही लिखी हुई है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट बट मसल लेंथ डज नॉट शॉर्टन, विच इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एज अ क्लोज्ड कैविटी एंड नो ब्लड पासिस आउट। अच्छा अच्छा समझ रहे हो तुम इस लाइन का मतलब, समझे कि ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज वेंट्रिकल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बंद। अब देख रहे हो बंद है, मतलब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज एवी वॉल्व के क्लोजर और सेमीलूनर वॉल्व के ओपन होने से पहले का टाइम पीरियड है। तो इसका मतलब इस दौरान एक वेंट्रिकल एक बंद कमरे की तरह बिहेव कर रही है, एट एवी वॉल्व भी बंद है, ठीक है, और सेमीलूनर वॉल्व भी खुलना अभी बाकी है, मतलब वो भी बंद है, ठीक है। तो एक तरीके से और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एक क्लोज्ड कैविटी की तरह, ठीक है, कोई भी ब्लड बाहर नहीं निकलेगा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर, ठीक है। द इंट्रा वेंट्रिक्युलर प्रेशर राइजेस शार्पली, अगर यार एक कमरा बंद करके उसके अंदर इतना ज्यादा आप कॉन्ट्रैक्शन करोगे और बाहर किसी चीज को निकलने नहीं दोगे तो क्या होगा, प्रेशर अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इंट्रा वेंट्रिक्युलर प्रेशर बहुत शार्पली राइज होगा, ठीक है, एज द मायोकार्डियम प्रेसेस द ब्लड इन द वेंट्रिकल, ठीक है। व्हेन द इंट्रा वेंट्रिक्युलर प्रेशर एक्सीड द प्रेशर इन द आयोटा एंड पल्मोनरी टंग, सेमिलर वॉल्व ओपन एंड द फेज एंड्स, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज क्या है, ये टाइम पीरियड है बिटवीन द क्लोजर ऑफ द एवी वॉल्व एंड ओपनिंग ऑफ द सेमिलूनर वॉल्व, पहला पॉइंट, ठीक है। जब वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिक्युलर सिस्टॉल चालू होता है ना, उस टाइम पर एट्रियो वेंट्रिक्युलर वॉल्व क्लोज होते हैं झटके से और इसकी वजह से फर्स्ट हर्ड साउंड प्रोड्यूस होती है ना। ड्यूरिंग दिस आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज मसल वेंट्रिक्युलर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, लेकिन उनकी लेंथ छोटी नहीं होगी, है ना। एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, क्लोज्ड कैविटी में होता है, मतलब एक बंद कमरा जिसके अंदर से कोई भी ब्लड पास नहीं कर रहा है, ब्लड बाहर नहीं जा रहा है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है क्लोज्ड कैविटी की फॉर्म में, ठीक है। तो इतना क्लोज कैविटी की फॉर्म में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो ब्लड होगा मायोकार्डियम को प्रेस करेगा, वॉल्स को प्रेस करेगा और प्रेशर शार्पली बढ़ जाएगा, इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब ये प्रेशर, जिस पॉइंट पर ये प्रेशर आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक में जो प्रेशर है उसको पार कर जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा, तो सेमिलूनर वॉल्व ओपन हो जाएंगे, समझ गए। देखो ये वेंट्रिकल और ये अपनी है। अब अच्छा एक बात, तो वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, एक तो राइट वेंट्रिकल से तो पल्मोनरी ट्रंक में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ब्लड कहाँ जाता है, आयोटा में जाता है। तो आयोटा में और पल्मोनरी ट्रंक में जब जो प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर हो जाएगा वेंट्रिकल का, तो प्रेशर डिफरेंस बन गया, तो ये वॉल्व्स जो है ना इनके बीच में ये ओपन हो जाएंगे वॉल्व्स और फिर ब्लड ऐसे पास करना चालू कर देगा। दैट्स इट, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, दिस इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, ठीक है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो इस पीरियड के अंदर देर इज वेरी शार्प राइज इन द इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर, जैसा कि हमने अभी देखा, विच हेल्प लार्ज अमाउंट ऑफ द ब्लड टू बी पम्प्ड आउट ऑफ द वेंट्रिकल इन द नेक्स्ट फेज, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ब्लड बाहर निकल जाता है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस ज्यादा बनेगा ना, शार्प राइज होता है वेंट्रिकुलर प्रेशर का यहाँ पे। अच्छा वेंट्रिकुलर सिस्टॉल की पहली फेज खत्म, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, उसके बाद में होती है मैक्सिमम इजेक्शन फेज, उसके बाद में होती है स्लो इजेक्शन फेज। मैक्सिमम इजेक्शन फेज में क्या होता है, इन दिस फेज वेंट्रिकल पंप अबाउट 80% ऑफ द ब्लड, है ना, वर्ड से समझ आ रहा है, मैक्सिमम इजेक्शन फेज मतलब जिसमें मैक्सिमम इजेक्शन होगा। फिर स्लो इजेक्शन फेज, इसमें अबाउट 20% ऑफ द ब्लड वेंट्रिकल पंप करती हैं। आगे बढ़ते हैं, वेंट्रिक्युलर डायस्टॉल, देखो मेरी बीच सुनो ध्यान से, वेंट्रिक्युलर डायस्टॉल में क्या हो रहा है,
वेंट्रिकुलर डायस्टॉल में क्या हो रहा है, इट स्टार्ट एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल खत्म, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल ज़्यादा। इसकी पांच फेजेज होती हैं, कौन सी फेजेज बता दो, उनकी ट्रिक भी बनाई थी हमने, बट ट्रिक कोई काम की नहीं थी, तो आप ऐसे याद करोगे, क्या ट्रिक है बताओ, प्रोटोडायस्टोलिक फेज, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, वहाँ क्या था आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, उसके बाद में फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज, फिर डायस्टेसिस या स्लो फिलिंग फेज, फिर लेट रैपिड फिलिंग फेज, ठीक है, ये पांच फेजेस हो गई। सबसे पहले वेंट्रिकुलर डायस्टोल का टोटल टाइम कितना, 0.5 सेकेंड, देखो टोटल 0.8 की कार्डियक साइकिल, उसमें से सिस्टॉल, अच्छा एट्रिया में देखते हैं पहले, एट्रियल सिस्टॉल में कितना टाइम था बताओ, 0.1 सेकंड, 0.7 सेकंड क्या था एट्रियल डायस्टॉल, 0.8 कार्डियक साइकिल, अब इसमें से वेंट्रिकुलर सिस्टॉल कितना है बताओ, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल कितना है 0.3 और वेंट्रिकुलर डायस्टॉल कितना है 0.5, कितना है 0.5, तो ये अपना हो गया ड्यूरेशन, ये याद रखना, बाकी और ज़्यादा डीप में जाके इनके छोटी फेजेस का ड्यूरेशन याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रोटोडायस्टोलिक फेज, ठीक है, नाउ इट इज द इंटरवेल बिटवीन ऑनसेट ऑफ डायस्टॉल एंड द क्लोजर ऑफ सेमिलिंग वॉल, देखो नाम से समझ आ रहा है प्रोटोडायस्टोलिक मतलब डायस्टॉल से पहले वाली फेज, ठीक है, तो ये क्या कौन सी फेज है, ये वो इंटरवेल है किसके बीच में, ऑनसेट ऑफ डायस्टॉल एंड क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वॉल, ठीक है, डायस्टॉल चालू होने से पहले और क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वॉल, इसके बीच का जो ड्यूरेशन है दैट इज कॉल्ड प्रोटोडायस्टोलिक फेज, मतलब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन दिस फेज वेंट्रिकल रिलैक्स, स्टिल सम ब्लड पासेज आउट ऑफ द वेंट्रिकल ड्यू टू मोमेंटम ऑफ द ब्लड, सो द इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स, व्हेन इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर स्टार्ट फॉल बिलो द प्रेशर इन द एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, सेमिलूनर वॉल्व क्लोज एंड प्रोड्यूसेस सेकेंड हार्ट साउंड एंड द फेज एंड्स, ठीक है। प्रोटोडायस्टोलिक फेज क्या है, देखो ध्यान से सुनना, हम लोग पढ़ रहे हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, उसमें सबसे पहली फेज आती है प्रोटोडायस्टोलिक फेज, मतलब देखो वेंट्रिकल का जो रिलैक्सेशन है उसके ऑनसेट में, ऑनसेट ऑफ द रिलैक्सेशन या डायस्टोल और सेमिलूनर वॉल्व के बंद होने के बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड प्रोटोडायस्टोलिक फेज, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, देखो वेंट्रिकल है उनमें से ब्लड बाहर निकल रहा है, ठीक है, सिस्टॉल में क्या होता है ब्लड बाहर निकला, पहले तो आया मैक्सिमम इजेक्शन फेज, ज्यादा इजेक्शन हुआ 80% ब्लड बाहर निकला आयोटा या पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, ठीक है, और फिर उसके बाद में बाकी 20% भी निकल गया, ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब सिस्टॉल खत्म हो रहा है और डायस्टॉल अप्रोच कर रहा है, ऑनसेट होगा अब डायस्टॉल का, ठीक है, तो डायस्टॉल चालू हुआ, ठीक है, अब एक चीज बताना कि ये जो यहाँ पर वॉल्व्स हैं कौन से वॉल्व्स हैं, ये पल्मोनरी ट्रंक और आयोटा ये हार्ट के साथ कौन से वॉल्व्स हैं, यहाँ पे सेमिलूनर वॉल्व, तो ये जो सेमिलूनर वॉल्व हैं ये कैसे बंद होते हैं, देखो होता क्या है कि ब्लड बाहर चला गया, ठीक है, ब्लड ऑलमोस्ट ये वेंट्रिकल जो है ये रिलैक्स होने रिलैक्स हो गई हैं, ठीक है, ब्लड पास कर रहा है मोमेंटम की वजह से, पास करता जा रहा है, ठीक है, ओके, और ब्लड बाहर निकलने की वजह से अब क्या होगा, प्रेशर अंदर जो था ना वो फॉल कर जाएगा, ठीक है, इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल कर जाएगा, अब ये प्रेशर जब इन वेसल्स में, इनमें यहाँ पे आयोटा में और पल्मोनरी ट्रंक में जो प्रेशर है उससे जब कम हो जाएगा ना प्रेशर वेंट्रिकल का, तो क्या होगा, झटके से ये सेमिलूनर वॉल्व्स हैं ये बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी और इसी के साथ ये फेज एंड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फेज क्या है, नेक्स्ट फेज क्या है, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, इसमें क्या होता है यार, आइसोमेट्रिक रिलेशनशिप रिलैक्सेशन फेज, इट इज अ इंटरवल बिटवीन क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वॉल्व एंड ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व, ठीक है, दिस इज आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, ठीक है। अच्छा सुनो क्या हो रहा है, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जा रहा था, ठीक है, सबसे पहले फास्ट इजेक्शन हुआ, रैपिड इजेक्शन, फिर स्लो इजेक्शन हुआ, ठीक है, फिर ब्लड थोड़ा थोड़ा पास कर रहा था, फिर प्रेशर अंदर गिरता गया, फिर जब प्रेशर आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक में जो प्रेशर है उससे कम हो गया, तो झटके से अपने सेमिलूनर वॉल्व बंद हुए और सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई, है ना। अब क्या होगा, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन में आ गए हैं, ठीक है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड हैं, है ना,
अब वेंट्रिकल रिलैक्स्ड हैं, सबसे पहले वेंट्रिकल रिलैक्सेशन में क्या हुआ था, सेमिनल वॉल्व बंद हो गए, ठीक है। अब सेमिनल वॉल्व बंद हुए हैं, ठीक है। अब इसके बंद होने के और जो एवी वॉल्व्स हैं वो अब खुलेंगे, क्योंकि एट्रिया से वेंट्रिकल में जो ब्लड आएगा ना, वो जो मैंने बोला 70% ब्लड एंटर करेगा पैसिवली, ठीक है। तो अब द इंटरवल बिटवीन द क्लोजर ऑफ सेमिनल वॉल्व एंड ओपनिंग ऑफ द एवी वॉल्व, दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। और इस फेज में क्या होता है, वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, एक क्लोज्ड कैविटी में होते हैं, कोई भी ब्लड उसके अंदर एंटर नहीं कर रहा होता है दोस्तों। सो वेंट्रिकुलर इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल करता है शार्पली, नीचे गिरता है, ठीक है। और इतना फॉल कर जाता है कि फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन हो जाते हैं प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और फेज फिर एंड हो जाता है अपना। फिर होगा फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज, जिसके अंदर ब्लड फटाफट से एट्रिया से वेंट्रिकल आएगा, रश करके फटाफट से, है ना, ठीक है। और इसकी वजह से थर्ड हार्ट साउंड आती है, समझ रहे हो, जो कि मोस्टली सुनाई नहीं देती बट होती है, ठीक है। तो इट बिगिंस विद द ओपनिंग ऑफ द एवी वॉल्व। फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज में क्या होगा, ब्लड रश करेगा रैपिडली फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, और ये रश करने की जो साउंड होती है इसी की वजह से थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर आता है डायस्टेसिस या स्लो फिलिंग फेज। इसमें क्या होता है, इसमें अमाउंट ऑफ फिलिंग मिनिमम हो जाती है, ठीक है, 30% वाला केस आता है कि कम फिलिंग हो रही है थोड़ी। द फिलिंग इज स्लो एज वेंट्रिकल्स आर ऑलरेडी फिल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, ठीक है। एट्रियल प्रेशर गिर जाता है और वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ता जाता है। एवी वॉल्व रिमेन इन फ्लैटरिंग कंडीशन, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन द स्लो फिलिंग फेज के अंदर क्या होता है, फिलिंग इज मिनिमम, ठीक है। अब आती है लेट रैपिड फिलिंग फेज, ठीक है। लेट रिपीट फिलिंग फेज जो होती है कोइंसाइड करती है एट्रियल सिस्टोल के साथ, तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आ गया है, लेट रैपिड फिलिंग फेज ऑफ द वेंट्रिक्युलर डायस्टोल कोइंसाइड विद द एट्रियल सिस्टोल। सो ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ब्लड रशेज इन टू द वेंट्रिकल इन दिस फेज एंड प्रोड्यूसेस फोर्थ हार्ट साउंड, ठीक है। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ब्लड रश करेगा इंट्रू द वेंट्रिकल इस फेज के अंदर, और इससे फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इसके साथ हमने सिस्टोल कंप्लीट, डायस्टोल कंप्लीट कर लिया। नाउ व्हाई सिस्टोल बिगिंस जस्ट आफ्टर व्हाई वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिंस जस्ट आफ्टर एट्रियल सिस्टोल। देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिन just after the atrial systole. Why? The reason is cardiac cycle is generated in the SA node and then first spread to both the right and left atria, causing atrial contraction or systole. The cardiac impulse is then spread to both the ventricle, causing their contraction of systole. This is why ventricle contraction begin just after atrial systole. समझ रहे हो, मतलब pacemaker तो obviously atria में होता है, तो पहले atria में contraction होगा, then फिजियोलॉजिकल चेंजेस या चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। सबसे पहले अच्छा ये चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं, अगर ये आप याद रखोगे तो आप इस टेबल को आसानी से कर पाओगे, ये जो अपना चार्ट मतलब ग्राफ जो है इसको आप अच्छे से कर पाओगे। देखो ज़्यादा नहीं है अपना कार्डियक साइकिल, आपका यहीं एंड हो जाएगा, ठीक है। हार्ट साउंड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ये देखो अपने पास क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल में, सबसे पहले प्रेशर में चेंज, ठीक है। प्रेशर में क्या चेंज हो रहा है भाई यार, प्रेशर में क्या ही चेंज हो रहा बता दो एक बार। देखो सबसे पहले इंट्रा एट्रियल प्रेशर चेंज, तीन टाइप का हो गया ना, और इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर चेंज और प्रेशर चेंज इन आयोटा पल्मोनरी ट्रंक एंड जुगलर वेन्स, ठीक है। मतलब ये एक्चुअली चेंजेस होते हैं, ठीक है। एक तो एट्रिया के प्रेशर में चेंज आएगा, वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर में चेंज आएगा, और आयोटा पल्मोनरी ट्रंक और जुगलर वेन्स में प्रेशर चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये हमने ऊपर थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जिक्र भी किया है कि इंट्रा एट्रियल प्रेशर बढ़ता है कम होता है, ये फलाना धमकाना, ये सब चेंजेस इन द वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम में चेंज आएगा, ठीक है, एट्रियल वॉल्यूम चेंज आएगा, वेंट्रिकल की वॉल्यूम में चेंज आएगा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ हर्ट साउंड और एपेक्स बीट सुनाई देगी। अच्छा मेरे को एक सवाल का जवाब दो कि एपेक्स बीट जो होती है वो कहाँ सुनाई देती है, लोकेशन कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में कहाँ पे क्या। चलो प्रोडक्शन ऑफ द हर्ट साउंड है ना, पल्स का प्रोडक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द पल्स वेव, प्रोडक्शन ऑफ एपेक्स बीट, देन इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन द हर्ट जिनको हम लोग ECG की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, फिर सिस्टमिक पल्मोनरी एंड कोरोनरी सर्कुलेटरी चेंजेस भी होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो कि ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द कार्डियक साइकिल। देखो ये बड़ा हॉजपॉज सा डायग्राम है गाइटन का, ये
समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ये कब समझ आएगा, पहले हम लोग थ्योरी पूरा थोड़ा सा कवर करेंगे, फिर उसके बाद में एक एक चीज़ को रिलेट करेंगे। बड़ा हौच पौच है इसमें, आयोटिक प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर, एट्रियल प्रेशर, ECG के चेंजेस, सब कुछ इसमें एक साथ ही एक जगह पे दिखा दिया है, ठीक है। तो ये एक बार आप देखना, फिर लास्ट में हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट चीज़, ओके, सबसे पहले अब जैसे मैंने बोला प्रेशर चेंजेस होते हैं तो कैसे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, इन द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर शार्पली इंक्रीजेस बिकॉज द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एज अ क्लोज्ड कैविटी एंड नो ब्लड पासिस आउट, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, देखो प्रेशर चेंजेस में सबसे पहले हम डील करेंगे कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या क्या कैसे किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले वेंट्रिकुलर सिस्टोल है यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसमें कई फेजेज होती हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहली फेज जो है वो है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, ठीक है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। एक सेकेंड, अच्छा चलो, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में क्या होता था, बंद कमरे वाला कॉन्ट्रैक्शन होता था, ठीक है, कि एकदम क्लोज्ड कैविटी है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ब्लड पास नहीं हो रहा बाहर, तो प्रेशर एकदम शार्पली राइज करता है। तो एक सेकंड, आप क्या करना, भी कीवर्ड्स को पकड़ना है। सबसे पहले ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल में तीन फेजेस, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, ठीक है, मैक्सिमम इजेक्शन और फिर रिड्यूस इजेक्शन, ठीक है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, प्रेशर सबसे पहले बढ़ेगा शार्पली, फिर मैक्सिमम इजेक्शन में क्या होगा, प्रेशर शुड फॉल इन द वेंट्रिकल, लेकिन होता क्या, बट द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द रेट ऑफ आउटफ्लो, सो इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर कंटिन्यूज टू राइज स्लोली। देखो क्या होता है, मैक्सिमम इजेक्शन फेज में क्या होता है, मैक्सिमम ब्लड बाहर निकल जाता है, तो होना क्या चाहिए कि जो अपना प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाना चाहिए, लेकिन डिक्रीज इसलिए नहीं करता कि जो फोर्स, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली हो रहा है ना, वो जिस रेट से ब्लड बाहर निकल रहा है उससे ज़्यादा रेट से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उससे ज़्यादा इंटेंसिटी से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सो जो इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर है डिक्रीज होने की बजाय, मतलब स्लोली धीरे धीरे, मतलब जैसे पहले शार्पली राइज कर रहा था ना प्रेशर, अब धीरे धीरे राइज करेगा, ठीक है। मैक्सिमम इजेक्शन फेज में इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर गिरता नहीं है अचानक से, धीरे धीरे राइज करता है, ठीक है। देन रिड्यूस इजेक्शन फेज में आते आते फिर प्रेशर ग्रेजुअली नीचे गिरता है, फिर फॉल होता है, ठीक है। तो अब एक दिमाग में इमेज बना के चलना, क्या हो रहा है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहले आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में प्रेशर शार्पली बढ़ता है, फिर मैक्सिमम इजेक्शन फेज में कम होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, शार्पली धीरे 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 बढ़ता ही जाता है, और रिड्यूस इजेक्शन फेज में फिर ग्रेजुअली गिरता है नीचे, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, फिर वो पांच फेज, सबसे पहले प्रोटोडायस्टोलिक फेज। प्रोटोडायस्टोलिक फेज में क्या होगा, प्रेशर गिरता रहेगा, जैसे अभी यहाँ शुरुआत होगी ना, प्रेशर ग्रेजुअली फॉल्स इन रिड्यूस इजेक्शन फेज, उसके बाद डायस्टोलिक फेज आएगी, प्रेशर ग्रेजुअली, प्रेशर कंटिन्यूज टू फॉल, प्रेशर गिरता जाएगा, ठीक है। फिर आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड आएगा, इसमें प्रेशर फिर शार्पली गिरेगा नीचे, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में प्रेशर शार्पली नीचे गिरेगा फर्स्ट, फिर आएगी फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज, अब यहाँ भी वेंट्रिकुलर प्रेशर कंटिन्यूज टू फॉल गिरता रहेगा, फिर आएगी डायस्टेरेसिस या स्लो फिलिंग फेज, अब क्या हो रहा है फिलिंग हो रही है, ठीक है, स्लो फिलिंग फेज के अंदर प्रेशर फिर धीरे धीरे बढ़ता है, और फिर लास्ट रैपिड फिलिंग फेज के अंदर क्या होता है, देयर इज स्मॉल बट सडन राइज ऑफ द प्रेशर ड्यू टू रश ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। तो ये डायस्टोल में समझ आया, सबसे पहले क्या हुआ, प्रेशर गिरता जाता है, फिर गिरता जाता है, ठीक है, फिर कंटिन्यूज टू फॉल, फिर जो फोर्थ या स्लो फिलिंग फेज आती है उसमें धीरे धीरे फिर राइज करता है, और रैपिड फिलिंग फेज में भी इतना ज़्यादा नहीं बट एक सडन थोड़ा सा राइज, स्मॉल बट सडन राइज देखा जाता है, क्योंकि ब्लड एक अचानक से रश कर रहा है वेंट्रिकल में बाय एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्चुअली इवेंट्स को अलग अलग करके दिखाया है,
एट्रियल प्रेशर, एट्रियल प्रेशर, और एक ये ब्लैक डार्क ब्लैक लाइन है ये वेंट्रिकुलर प्रेशर को दिखा रही है। देखो वेंट्रिकुलर प्रेशर कांस्टेंट फिर बढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में देख रहे हो अपना जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो बढ़ रहा है। देखो वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ रहा है, कौन सी फेज है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मैंने बोला था आइसोवॉल्यूमेट्रिक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, प्रेशर शार्पली राइज करता है। देखो देख रहे हो शार्पली प्रेशर यहाँ पे राइज कर रहा है, यहाँ पे शार्पली प्रेशर राइज कर रहा है। फिर उसके बाद में क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए बट डिक्रीज नहीं होता, स्लोली बढ़ता जाता। फिर उसके बाद में थर्ड फेज के अंदर ये डिक्रीज करता है। ये तो मैंने बोला, देखो प्रेशर शार्पली, फिर गिरना चाहिए लेकिन गिरता नहीं, धीरे धीरे स्लोली बढ़ता जाता है, और रिड्यूस इजेक्शन फेज के अंदर फिर नीचे गिरता है प्रेशर, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या करना है, ये फेजेस के सबके नाम दिए हुए, सिस्टोल डायस्टोल डायस्टो सब कुछ दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सिर्फ इसको रिलेट करके पढ़ना है, सिर्फ ऊपर अगर थ्योरी अच्छे से पता होगी तो आप ग्राफ से चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अब ये आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज है, इसमें फिर आगे क्या लिखा होता है ऊपर कि प्रेशर कंटिन्यूस टू फॉल ग्रेजुअली, फिर नीचे गिरता जाता है, ठीक है। फिर रैपिड इनफ्लो फेज, फिर क्या हो रहा है, प्रेशर गिरता जाता है, फिर वही चीज़ चलती जाती है, ऐसे इस तरीके से आपको देखना। फिर आगे जा करके क्या हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, फिर से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गई है। तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इफ़ यू रिमेंबर द थ्योरी एंड द कॉन्सेप्चुअल थिंग बिहाइंड दिस ग्राफ एंड देन फॉलो व्हाट्स गिवन हियर, ठीक है। आप धीरे धीरे फॉलो करोगे समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाई डज मिनिमम प्रेशर एग्जिस्ट इन एट्रियल सिस्टम ड्यूरिंग डायस्टोल। देखो ड्यूरिंग सिस्टोल क्या होता है, द प्रपल्सिव फोर्स ऑफ द हार्ट इंक्रीजेज द सिस्टोलिक प्रेशर बट ड्यूरिंग डायस्टोल सच प्रपल्सिव फोर्सेज आर एब्सेंट, सो फॉर दिस रीजन मिनिमम प्रेशर एग्जिस्ट इन द आर्टेरियल सिस्टम ड्यूरिंग डायस्टोल। डायस्टोल के दौरान आर्टेरियल सिस्टम में कम प्रेशर होता है और सिस्टोल में ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि ड्यूरिंग सिस्टोल अपनी प्रपल्सिव फोर्स होती है हार्ट की जो कि सिस्टोलिक प्रेशर को बढ़ा देती है, और ड्यूरिंग डायस्टोल क्या होता है, ये प्रपल्सिव फोर्स, ये धक्का देने वाली फोर्स एब्सेंट होती है। वॉल्यूम चेंजेस, देखो वॉल्यूम चेंजेस को देखो, यहाँ पे वॉल्यूम चेंजेस का पता चलेगा, वॉल्यूम चेंजेस इन द वेंट्रिकल ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। सबसे पहले ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल देखेंगे, सबसे पहली फेज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, वॉल्यूम सबसे पहले क्या होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, बंद कमरे वाला कॉन्ट्रैक्शन है तो वॉल्यूम तो बढ़ कम हो ही नहीं सकता क्योंकि कमरा बंद है। फिर आती है इजेक्शन फेज में क्या होता है, वॉल्यूम स्मूदली और कंटिन्यूसली गिरता है, ठीक है। इजेक्शन फेज, इजेक्ट हो गया ना, ब्लड बाहर निकल गया। फिर उसके बाद में आता है प्रोटोडायस्टोलिक फेज में वॉल्यूम स्लाइटली फॉल ड्यू टू पासिंग ऑफ सम ब्लड आउट ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है। धीरे धीरे कुछ मोमेंटम के कारण बाहर जाता रहता है, उसकी वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम गिरता है। और आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड में क्या होता है, वॉल्यूम सेम ही रहता है क्योंकि फीलिंग हो नहीं रही है, रिलैक्सेशन चल रहा है ना। अब फर्स्ट रैपिड फीलिंग फेज में वॉल्यूम शार्पली बढ़ेगा, फिर क्या होगा, वॉल्यूम शार्पली स्लोली बढ़ेगा, शार्पली नहीं अब स्लोली बढ़ेगा स्लो फीलिंग फेज में। फिर लास्ट रैपिड फीलिंग फेज में फिर से वॉल्यूम बढ़ेगा अच्छी तरीके से। तो यही यहाँ पे दिखाया गया आइसोवॉल्यूमेट्रिक इजेक्शन फेज में क्या हो रहा है कि वॉल्यूम देखो कम हो रहा है, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में कॉन्स्टेंट रह रहा है, वहीं उसी बंद में रैपिड इनफ्लो के अंदर देखो वॉल्यूम बढ़ गया है, डायस्टेसिस में धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये इस तरीके से आपको इसका देखना है, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो अब आप इसको, वो जो बड़ा वाला ग्राफ था वो मैंने एक टुकड़ों में आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है कि आपको क्या करना है। वॉल्यूम देखो अलग हो गई, प्रेशर अलग हो गया, मेन यही आपको ये याद रखना है, वॉल्यूम चेंजेस एंड प्रेशर चेंजेस, ठीक है। बाकी ईसीजी वगैरह बाकी सारी चीजें जो हम सब्सिक्वेंटली आगे टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको कार्डियक साइकिल का कुछ आइडिया लगा होगा, समझ आया होगा। और ये वाला जो डायग्राम है आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि आपकी गाइडन में यही डायग्राम दिया गया, ठीक है। तो आप फिर ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।